और हमें ये बताया जाए कि किस मुल्क से डॉलर और रियाल लेने की खातिर आपने हमारी मजाली से आजाद जुलूसों पर और आजादारी मजलूम करबला पर पाबंदी लगाई। 25 रजब उल मुरज्जब और 28 रजब जो नजदीक है और हमारे ये जुलूस और आजादारी के दिन हैं, आपने कोरोना वायरस की सियासत में हमारे मजालिस आजादारी और जुलूस पर दफा 144 नाफिस कर दी, जो काम 1400 साल से कोई हुक्मरान न कर सका वो काम आपने कर दिखाया, जो काम मुतवक्कल अब्बासी न कर सका वो काम आपने कर दिखाया, जो काम इब्ने ज़ियाद न कर सका वो काम आपने कर दिखाया, जो काम पाकिस्तान का साबका हुक्मरान जनरल ज़िया न कर सका वो आपने कर दिखाया। लेकिन तारीख गवाह है कि जिसने भी आले मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वालों पर जुल्म व सितम किया, अल्लाह ने उन्हें ऐसे अजाब में मुब्तला किया कि उनकी कब्रों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। और पाकिस्तान का साबका हुक्मरान सानिय यजीद कातिल शहीद अलामा आरिफुल हुसैनी अल्लाहु मकामहू दुश्मन शिया ने हैदर करार जनरल जिया की मिसाल आपके सामने है, जिसे अल्लाह ने आसमान जिसे अल्लाह ने हवा में ऐसा रोस्ट किया कि ना उसे जमीन ने कबूल किया ना आसमान ने कबूल किया। और जुल्म सितम की इंतहा यह है कि हम अपनी मजालिस घरों में नहीं करवा सकते, जबकि हमारा अकीदा यह है कि मजालिस में आना और सांस लेना भी इबादत है। हम उनके मानने वाले हैं जिनका लुआबे दहन कड़वे कुएं को शीरी कुएं में तब्दील कर दे। हम ज्यादा अरसा तक अपनी मजालिस और आजादारी पे पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फिलफौर हुकूमत बख्श रहम की अपील करते हैं। हम आपसे ये अपील करते हैं कि जायरीन पर और आजादारी मजलूम करबला पर गुंडागर्दी और सियासत को बंद किया जाए, और अगर ये गुंडागर्दी बंद ना हुई तो पाकिस्तान में रहने वाला हर आजादार, पाकिस्तान में रहने वाली हर आजादार हमारी माएं बहनें सरों पर कफन बांधकर सड़कों पर निकलकर रियासत मदीना के कारनामे दिखाने पर मजबूर हो जाएंगे।